स्टूडेंट्स, अपने को पता है कि अपनी सीरीज के अंदर तीन पार्ट इसके कर चुके हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर अपना 14 देखिए आप क्या है। क्वेश्चन ज्यामिति से रिलेटेड है। ट्रायंगल एबीसी में, पहले आप एबीसी बना लो। ट्रायंगल एबीसी में डी और ई पॉइंट एसी और बीसी पर इस प्रकार से हैं, डी और ई, कि डी ई पैरेलल है एबी के। यहाँ पॉइंट है आपका डी और ये है ई, ये पैरेलल किसके है? एबी के। एफ जो पॉइंट है वो सी ई पर, एफ पॉइंट जो है वो सी ई पर इस प्रकार से है कि डी एफ जो है, डी एफ वो पैरेलल है किसके? ए ई के पैरेलल है, ये पैरेलल है, समांतर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सी ई का मान जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ये पूरी वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। सी एफ, सी एफ का मान कितना दे रखा है? 2.5 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन पूछा है सी एफ का, एफ ई का मान दे रखा है, ये सी एफ का मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.5 और सी ई का मान दे रखा है क्वेश्चन में 6। बी सी का मान आपको बताना है, बी सी का कंप्लीट मान कितना है ये क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, बी सी का मान आपसे क्वेश्चन में पूछा है। देखो समझो पहले आप, अगर ये मान 6 है, अगर ये मान आपका 2.5 है तो इसका मतलब ये वाला जो मान हुआ वो हुआ 3.5। अगर आप इसका रेशो बनाओगे, पॉइंट से पॉइंट कट गया 5 और 7, इसका जो रेशो बना वो कितना बना? 5 और 7 का बन रहा है रेशो। अब आप देखो कि ये पैरेलल लाइंस हैं, अगर पैरेलल लाइंस में थैलस थ्योरम को अप्लाई करें, अगर ये 5 और 7 का रेशो है, ये वाला 5 और ये क्या है 7, तो इसका मतलब ये रेशो भी कितना होगा? 5 और ये रेशो कितना हुआ 7। और ये पॉइंट अपनों ने ये बताया, अपनों ने डी एफ जो पैरेलल है ए ई के। अब आप दोबारा से देखो कि डी ई जो है वो पैरेलल किसके है? ए बी के। इसका मतलब ये रेशो भी 5 और 7 का होगा पूरा कंप्लीट। ये कंप्लीट कितना है? 5 ऊपर वाला, और नीचे वाला कितना हुआ? 7। ये भी रेशो कितना हुआ? 5, और ये भी कितना हुआ? 7। ये 5 जो वैल्यू है वो किसको बता रहा है? ये बता रहा है 6 को। आपसे क्या पूछा है? बी सी का मान पूछा है, मतलब 12 की वैल्यू आपसे पूछी है। देखो या तो आप 1 का मान निकाल के 12 से मल्टीप्लाई कर दो, या कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो। आप आपको पता कि अगर अपने 1.2 12 × 5 60 होता है, अगर आप 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ये आएगा। अगर आप 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें, आप ऑप्शन एक बार पॉइंट चाहे मत कैलकुलेट करो, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। 144 देखो आप कौन से ऑप्शन में आ रहा है, आपका आंसर हुआ फर्स्ट। इसका मतलब क्या है? या तो आप ऐसे देख लो कि यहाँ रिजल्ट कितना आ गया 1.2, मतलब 1:1 का मान निकाला मैंने 6/5 रफली देख लो ना, 12 × 5 60 रेट के बाद पॉइंट लगा दो आप, 12 और 12 144, इसका मतलब 14.4 सेंटीमीटर आपका हुआ आंसर। ये मान किसका है? बी सी का मान है। दो बार आपको अप्लाई करना है, पहले सी ए ई ट्राइंगल के अंदर, बाद में सी ए बी ट्राइंगल के अंदर थैलस थ्योरम को दो बार। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यामिति से रिलेटेड है। एक सर्किल की दो जीवा दो कॉर्ड की बात कर रहा है, ए बी और सी डी को आगे बढ़ाया जाता है, किसी बिंदु पी पर वो मिलते हैं, ए बी बी पी पी डी के मान दे रखे हैं, सी डी का मान पूछा है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये क्या है? ए बी, ये है सी डी जीवा, इसको आगे बढ़ाया बिंदु पी तक। ए बी का मान कितना दे रखा है? 7। बी पी का मान दे रखा है 4.2। सी डी का मान क्वेश्चन में आपसे पूछा है, और डी पी का मान पी डी या डी पी ये कितना है? 2.8। देखो एक प्रॉपर्टी है, ये आपको पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन जब होते हैं, जब ये सीकेंट वाली प्रॉपर्टी क्या है, पी बी इंटू पी ए, पी बी इंटू पी ए बराबर पी डी इंटू पी सी, वैल्यू रख दो आप इसके अंदर। पी बी का मान कितना आ रहा है? देखो आप, पी बी का मान है 4.2, पी ए का मान कितना है कंप्लीट 11.2, पी डी कितना है 2.8, पी सी 2.8 + x, इसको आप x मान लो। आप ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, 14 से देखें तो 14 × 3 = 42, ये कितना हुआ 28। ये नंबर अगर 2 से देखें तो ये नंबर कितना हो गया आपका 5.6, 5.6 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया आपका 16.8, फिर 18, 15 और 1 16। अगर आप 2.8 इसमें से कम कर दोगे
तो ये जो रिजल्ट हुआ वो कितना हुआ, 14 आपका हो गया आंसर। इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि पी डी इंटू पी सी बराबर पी बी इंटू पी ए। अगर मान लो यहाँ टेंजेंट होता, यहाँ पॉइंट होता टी, तो ये पी डी इंटू पी सी जो है वो पी टी स्क्वायर होता है टी, वो पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। क्वेश्चन को पढ़ो पहले क्या लिखा हुआ है, एक तिहाई सामान को 15% के लाभ पर बेचा जाता है, 25% सामान को, 25% का मतलब 1/4 को 20% के लाभ पर, जो बच गया वो 20% के लॉस पर, पूरे प्रोसेस के अंदर 138.50 रुपये का हो रहा है फायदा, आपको रेट बताना है। देखो आप फ्रैक्शन कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, 1/3 और 1/4, आप ऐसी वैल्यू ज्यूम करो जो 1/3 1/3 और 1/4 से कट जाए। तो हमने नंबर मान लिया 12, 12 का एक तिहाई नंबर कितना हुआ, यहाँ हुआ 4, 1/4 कितना हुआ, ये हुआ आपका 3, 25% शेष जो बच गया है वो कितना हुआ 7 और ये कितना हुआ 5। पहले वाले को आप कितने परसेंट प्रॉफिट पे सेल कर रहे हो, 15% पर, बाद वाले को, नेक्स्ट वाले को 20% पर, और उसके आगे वाले को आप सेल कर रहे हो 20% के लॉस पर। आप ओवरऑल देखो, देखो क्या है रिजल्ट, ये बन गया आपका 60%, यहाँ पर प्रॉफिट लिख रहा हूँ। आप सेलिंग प्राइस होता तो आप 115, 120 और 80 करते, आप नीचे लाइन देखो आप 138.50 रुपये का फायदा हो रहा है। इसका मतलब यहाँ जो नंबर कितना होगा 60%, यहाँ कितना हुआ आपका 60% और ये परसेंट हुआ आपका 100। फाइनल रिजल्ट देखो आप कितना हो रहा है, 120 में से 100 गए तो ओवरऑल रिजल्ट हुआ 20% का फायदा हो रहा है। किस फॉर्म में आपको मिल रहा है, 138.50 रुपये की फॉर्म में मिल रहा है। आपसे कुछ है इसका प्रॉफिट बताओ, आप ओवरऑल आपको वैल्यू बतानी क्या है, सामान का मूल्य क्या है जो आपने स्टार्टिंग में रेट माना था ये वाला। देखो 12 जो है 12, क्या इससे परसेंटेज की फॉर्म में आप 1200% नहीं लिख सकते, इसका मतलब क्या है आपको यहाँ नंबर चाहिए 1200%। इसका मतलब इस नंबर को आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ये नंबर चाहिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। जैसे आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे ये पॉइंट जो होगा वो इस 2 जीरो को कैंसिल कर देगा, ये पॉइंट इस 2 जीरो को कैंसिल कर देगा। 6 × 5 कितना हुआ 30, 3, 8 × 6 = 48 और 3 = 51, 5 = 78 और 5 = 83। इसका मतलब आपका जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा, 8,310 रुपये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन को दोबारा से देख लो आप, जब भी फ्रैक्शन हो, अगर यहाँ 1/4 और 1/5 होता तो आप टोटल यहाँ मानते 20, उसके बेस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और बहुत इजी सा है। प्रॉफिट है तो सिर्फ ये वैल्यू लिखेंगे, अगर सेलिंग प्राइस होता तो 115 के हिसाब से सॉल्व करते। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका डीआई से रिलेटेड है, उसमें लिखा है डी के रिजल्ट्स आपको बताने जो ए के एवरेज से ज़्यादा हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ परसेंटेज या रेशियो या एवरेज पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ए का एवरेज कैसे निकालेंगे, सबको जोड़कर आपको 6 का भाग नहीं देना है, आप इनके बीच का नंबर 100 ले लो। आपने 100 अज्यूम कर लिया, ए का अपने निकाल रहे हैं एवरेज, तो जो कम हुआ माइनस कर देंगे, ज़्यादा हुआ प्लस कर देंगे। पहली वैल्यू 2 कम है, बाद वाला रिजल्ट आपका 6 कम है, नेक्स्ट नंबर आपका 20 कम है, उससे नेक्स्ट नंबर आपका 5 कम है, अगला 110, 10 ज़्यादा है, नेक्स्ट आपका 115 तो 15 ज़्यादा है। इसको कितने से डिवाइड कर देंगे, 6 से, ये आपस में कैंसिल हो गया, 8/6 का जो रिजल्ट है वो कितना आ गया, 4/3। जब आप 100 में से 4/3 का मतलब 1 से 1/3 माइनस करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 98 2/3 आएगा। आपको डी के रिजल्ट बताने जो 98 2/3 से ज़्यादा है। कौन कौन से नंबर हैं, 74 होगा नहीं, 102 होगा, 92 नहीं होगा, 93 नहीं होगा, 97 नहीं होगा, 102 होगा, ऐसे ओवरऑल रिजल्ट कितने हैं, 2। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, सेकेंड आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी अपने कर चुके हैं, जब क्वेश्चन में इस तरह की वैल्यू दे रखी हो, जहाँ तो आप देखो इस एक्सप्रेशन को, 7 sin²θ - cos²θ + 2 sin θ की वैल्यू है 2, ये रिजल्ट आपसे पूछा है। थीटा का मान निकालने के लिए क्वाड्रेटिक बनाओ, या आप इसके ऑप्शन रीड करो, आप ऑप्शन में अंडर रूट की वैल्यू आ रही है तो वैल्यू 30 डिग्री या 60 डिग्री रख सकते हैं, चेक करेंगे, मतलब जरूरी नहीं कि वो सही हो,
तो ज्यादातर क्वेश्चन में आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ 2 थीटा आ रहा है, इसका मतलब अपने वैल्यू रखते हैं 30 डिग्री। जैसे इसमें वैल्यू 30 डिग्री रखेंगे, जैसे आपने इसके अंदर वैल्यू रखी 30 डिग्री, तो यहाँ जो रिजल्ट आपको मिलेगा 30 डिग्री पर, वैसे भी देखोगे अगर आप 60 डिग्री रखोगे तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा और यहाँ कांस्टेंट आ रहा है और यहाँ स्क्वायर में तो अंडर रूट होगा नहीं, तो 30 डिग्री पे चांस है। साइन 30 जो है वो 1/2 होता है, 7 × 1/2 का स्क्वायर 1/4, मतलब 7/4 माइनस कोस 30 साइन 60 अंडर रूट 3/2, इसका स्क्वायर कितना हुआ 3/4 प्लस 2 × 1/2 2/2। अगर आप इससे सॉल्व करो तो 4 में से 4 गया 1, 1 और 1, ओवरऑल रिजल्ट कितना हो गया आपका 2 2 के बराबर है। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो थीटा 30 डिग्री से करेगा सेटिस्फाई। अगर यहाँ मान रखें तो ये मान कितना हो गया 60 डिग्री, ये मान कितना हो गया आपका 60, ये भी मान कितना है 60 और ये भी मान कितना है 60। अगर इसकी वैल्यू देखें, देखो टेन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 और कोट 60 जो होता है वो 10 30 होता है, ये कितना हुआ 1/√3। कोसेक 60 साइन 60 का उल्टा है, साइन 60 होता है अंडर रूट 3/2, तो ये रिजल्ट हुआ 2/√3। सेक 60 कोस 60 का उल्टा है, कोस 60 साइन 30 होता है, 1/2 इसका उल्टा कितना हुआ 2। जब आप इसका एलसीएम लोगे, इसका अंडर रूट 3 इसके अंडर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 2 अंडर रूट 3 प्लस 1 और यहाँ जो रिजल्ट आया वो आया आपका 2 प्लस 3 अंडर रूट 3 × अंडर रूट 3 3। फाइनल रिजल्ट आपका आया 2 अंडर रूट 3 प्लस 1/5, जो ऑप्शन है आपका सी आपका है आंसर। मतलब पहले आप इसके ऑप्शन रीड कर लो, अगर अंडर रूट में है तो 30-60 डिग्री रख के चेक कर लो, यहाँ साफ पता लग रहा है 30 डिग्री रखना है। या क्वाड्रेटिक बनाओगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेगा, ये थोड़ा सा बार बार करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपको पता है कि टीसीएस में जो एग्जामिनर पैटर्न फिक्स कर रहा है, या तो 30 डिग्री 60 डिग्री 3/5 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, एंजॉय कर रहे होंगे आपको, मेरे को उम्मीद है कि आपको इसी चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए।